सो हाय गाइज, वेलकम बैक अगेन इन एडोग्रोन। सो गाइज, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अभी जस्ट इस वीडियो से पहले मैंने आपको सर्कल का रिवीजन करा दिया है, और इस वीडियो में मैं आपका रिवीजन कराने वाला हूँ एरिया रिलेटेड टू सर्कल। जैसे कि आप जानते हो, ये वन शॉट वीडियो सीरीज है गाइज, तो अपन इसमें ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। और ये जो वीडियो है स्पेशली मैं जो भी एग्जाम होने वाला है 2021 का बोर्ड जो है, उसके अकॉर्डिंग मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज़, लॉकडाउन की वजह से इस वीडियो से भी कुछ पार्ट कट हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको इस वीडियो में रिवीजन कराऊंगा, ताकि आपको यार पता चल जाए कि क्या चीज़ पढ़ना है क्या चीज़ नहीं पढ़ना है, क्योंकि अब बिल्कुल टाइम नहीं है। अब अपन को वही चीज़ पढ़ना है जो एग्ज़ाम में आ रहा है, क्लियर है। नॉलेज लेने का टाइम लॉकडाउन में था, जो कि आपने पबजी और फौजी और भौजी खेलने में वेस्ट कर दिया, ठीक है। सो बिल्कुल लेट नहीं करेंगे। दूसरी चीज़, और फिजिक्स हमारा ख़त्म हो चुका है, बायो हमारा ख़त्म हो चुका है, केमिस्ट्री में स्टार्ट करने वाला हूँ, सोशल साइंस में हिस्ट्री खत्म हो चुका है। हमारे सारे लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहे हैं, आपको सब पढ़ना है। आप सिर्फ हमें ही मत फॉलो करो, हमारे सर और जो मैम हैं वो कंप्लीट कर रहे हैं, उन्हें भी फॉलो करो। मुझे ओवरऑल मार्क्स चाहिए। अगर आप मेरे चैनल से पढ़ रहे हो तो मुझे मैथ्स में भी, साइंस में भी, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सोशल में भी, मुझे ओवरऑल आपका हमारे से फ़ायदा देखने को मिलना चाहिए गाइस। और मुझे कमेंट भी चाहिए ज़रूर, आप जो भी लोग पढ़ रहे हैं हमारे ये एग्ज़ाम के बाद, ठीक है। सो बिल्कुल लेट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है। सो एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर 12 क्लास 10 वन शॉट वीडियो सीरीज, और स्पेशली है एग्जाम के 2020-21 मई का जो बोर्ड एग्जाम है उसके लिए स्पेशली ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। चलो यार जल्दी जल्दी अपन आए चलते हैं, सिलेबस डिस्कस करेंगे पहले यार इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। तो ये सिलेबस एक तरफ आप देख सकते हो 2020-21 का सिलेबस मैंने रख दिया एरिया रिलेटेड टू सर्कल क्या आ रहा है। दूसरी तरफ मैं यहाँ पे रखा हूँ आपके लिए कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल में क्या चीज़ डिलीट हुआ है। तो प्रॉब्लम ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120, तो 120 थीटा की वैल्यू 120 वाले जो डिग्री वाले जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। तो यार आपको अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, बट अभी मैं आपको कराऊंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगा, तो मैं आपको हिंट दे दूंगा कि इस तरह के क्वेश्चंस के आपको नहीं पढ़ना है, तो आपको आइडिया हो जाएगा यार क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इंट्रोडक्शन चैप्टर का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। सर्कल क्या होता है? टू टू सर्कल है ना, सर्कल यानी गोला। द सर्कल इज अ राउंड शेप्ड फिगर डेट हैज नो कॉर्नर और एज, यही तो होता है हमारा सर्कल। एग्जाम्पल व्हील, कोई डिजाइन देख लें, वॉशर जो होते हैं, नट बोल्ट, केक का साइज, कार की व्हील, व्हील्स हर टाइप की, ये सब हमारी क्या है? सर्कल। तो सर्कल हमें पता चल गया, हमें पढ़ना क्या है इस चैप्टर में? तो वो जो सर्कल है ना, वो सर्कल बहुत जादुई चीज़ है। उस सर्कल के अंदर 4, 5, 6, 7 चीज़ें छुपी हैं। क्या है? उस सर्कल के अंदर एक सेंटर है, उस सर्कल के अंदर एक रेडियस है, उस सर्कल के अंदर एक डाया है, उस सर्कल के अंदर एक नया मिलेगा आपको वर्ड कॉर्ड, उस सर्कल के अंदर टेंजेंट है, उस सर्कल के अंदर सेकेंड है, उस सर्कल के अंदर मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, आर्क, मेजर आर्क, माइनर आर्क, ये सब चीज़ें छुपे हुआ हैं। तो अपन जो मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट की जो बात कर रहे हैं वो है क्या, उसकी एरियाज के बारे में भी हमें पढ़ना है। बट अभी हम स्टार्ट करेंगे नॉर्मल सर्कल। सर्कल का रेडियस क्या होता है? सर्कल के सेंटर से सर्कमफ्रेंस के पॉइंट तक के डिस्टेंस को ही अपन रेडियस कहते हैं। इस फिगर में देखो, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से सर्कल के सेंटर से ये पॉइंट बी जो सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे है, यानी सर्कमफ्रेंस यानी सर्कल की बाउंड्री पे जो पॉइंट है सेंटर से, उसकी डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं, ठीक है। चलो ये नहीं पढ़ गया, पैरामीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल स्टार्ट कर। सबसे पहले अपन पैरामीटर, पैरामीटर क्या होता है? जनरली कोई भी कर्व चीज़ें आ जाती है ना, वहाँ पे हम पैरामीटर वर्ड हटा कर वहाँ पे हम सर्कमफ्रेंस की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कर्व सर्फेस है, है ना। जैसे आप कर्व सरफेस और लैटरल सरफेस, आप कर्व सरफेस एरिया कहाँ निकालते हो? सिलेंडर में निकालते हो, सर्कल में, स्पीयर में, यहाँ निकालते हो, है ना, क्योंकि वो सारे सरफेस कर्व्ड होते हैं। और लैटरल सरफेस एरिया क्यूब में, क्यूबॉइड में निकालते हो ना, क्योंकि उनके कॉर्नर्स होते हैं, तो लैटरल्स यानी कॉर्नर्स, है ना, और कर्व यानी आर्क। तो हम वैसे ही पैरामीटर होता है ट्रायंगल का, लाइक एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का पैरामीटर पूछूं, पैरामीटर यानी उस ट्रायंगल की बाउंड्रीज। तो ट्रायंगल इस बाउंड्री, ये बाउंड्री और ये तीन बाउंड्री से मिलकर बना है। मान लीजिए इस बाउंड्री की लेंथ ए है, इसकी बी है, इसकी सी है, तो पैरामीटर क्या हो जाएगा इसका? ए प्लस बी प्लस सी, है ना।
बट हम अभी एक कर्व सरफेस का पैरामीटर पढ़ने वाला है। तो कर्व सरफेस का पैरामीटर हम ना बोलकर अब सर्कमफेरेंस वर्ड यूज करेंगे, जहां कर्व आया वहां सर्कमफेरेंस। तो सर्कल का सर्कमफेरेंस यानी उसकी बाउंड्री का लेंथ क्या है। अगर आप एक वायर धागा ले लीजिए, लाइक ये हमारा धागा, ये मैंने एक धागा लिया, अब मैंने क्या किया, मैंने इसको एक सर्कल बना दिया लाइक दिस। अब मैंने इसको सर्कल बना दिया है ना, इसकी सर्कल बना दिया लाइक दिस लाइक दिस। अब जब मैंने इसको सर्कल बनाया तो इसका एक रेडियस होगा, उसी रेडियस पे तो ये सर्कल बना है, ठीक है। अब मुझे ये सर्कल बनाने, देखो मैंने इस कॉर्नर से इसको ज्वाइन किया, ये है मेरा रहा सर्कल, है ना। अब मुझे ये सर्कल की जो बाउंड्री है, कितना वायर लगा मुझे ये इस रेडियस का सर्कल बनाने के लिए वायर कितना लगा, इसको सीधा कर दूं और इसको स्केल से मेजर कर लूं, डेट लेंथ, यही तो है आपका सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस यानी लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ द सर्कल, ठीक है। नेक्स्ट है, तो यार निकालते क्या, तो जो एक महान अंकल है, अंकल कहा जाए तो एक साइंटिस्ट जो है हमारे, उन्होंने बताया था रिलेशन, सर्कमफ्रेंस डायामीटर का रिलेशन। सर्कमफ्रेंस डायामीटर का रिलेशन ये है कि सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय डायामीटर एक कांस्टेंट के इक्वल होता है, उस कांस्टेंट को हम लोग पाई बोलते हैं, पाई एक कांस्टेंट के इक्वल होता है। तो सर्कमफ्रेंस डायामीटर डिवाइड में इधर आएगा तो इनटू में, तो पाई इनटू डायामीटर। डायामीटर क्या होता है, रेडियस का डबल, 2r, क्यों, क्योंकि ये r और ये आर, ये पूरा क्या होता है, यही तो होता है डायामीटर, है ना। आर प्लस आर टू आर, तो ये हो गया, तो डाया को 2r रखा तो बन गया 2πr। 2πr क्या हो गया आपका, सर्कमफ्रेंस हो गया। कितना हो गया सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कल की बाउंड्री की लेंथ, लेंथ ऑफ दैट बाउंड्री व्हाट, 2πr, क्लियर है। वेयर पाई इज द कांस्टेंट एंड द वैल्यू ऑफ दैट कांस्टेंट इज 22/7 और 3.14, ठीक है। तो पाई की वैल्यू 22/7 भी आप यूज कर सकते हो, 3.14 भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब पाई के बारे में आप बहुत अच्छे से स्टोरी पता है, रेशनल में पढ़ाया था। अब सर्कमफेरेंस हमारा खत्म हो गया, अब एरिया की बात करते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल की एरिया कैसे निकालते हैं, तो मैंने एक सर्कल लिया, उस सर्कल को टोटल 16 पार्ट्स में कट किया, 16 स्ट्रिप मैंने कट कर दिया। 16 स्ट्रिप को कट करने के बाद मैंने सारे स्ट्रिप को स्ट्रेट लाइन में एक ज्वाइंट किया, तो वो कुछ रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है, ये कुछ रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है, जिसका ये बेस है और ये हाइट है, ठीक है, ये बेस है ये हाइट है। तो इस सर्कल की जो एरिया होगी बच्चों, क्योंकि उसको मैंने स्ट्रिप में कट किया, उसी स्ट्रिप से मैंने ये रेक्टेंगल बनाया, तो सर्कल की जो एरिया होगी वही रेक्टेंगल की एरिया होगी, दोनों की एरिया सेम होगी, क्योंकि सर्कल के ही पार्ट्स से तो मैंने रेक्टेंगल बनाया है, कोई नया पार्ट एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया, दोनों की एरिया सेम होगी। तो लिखा ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू विड्थ, यानी इस केस में बेस इंटू हाइट, लाइक दैट। Therefore, can we write area of circle is equal to base into height? Yes, of course, we can write it. ठीक, तो height क्या है? जो height हमने, जो strip की जो height है, वो क्या है? एक strip को मैंने cut किया, तो इस strip की height यानी उसकी radius, तो height radius के बराबर है। और जो आपका base है, जो आपका length है, length of that rectangle और base of that rectangle, तो अगर ये इस boundary को open करोगे, जैसे इस circle का जो मैंने boundary को open करोगे like this, इससे समझाया था ना, इसको जब मैं straight करूँगा, तो मैंने देखा कि straight करने के बाद वो जो rectangle, जो strip कटा था ना, वो strip उस length के half तक ही है, उस rectangle का length actual circumference का half है, ठीक है। तो half of circumference, therefore area of circle बच्चे यहाँ से क्या हो जाएगा, half एरिया ऑफ सर्कल हाफ इंटू सर्कमफेरेंस, इट इज 2πr इंटू हाइट यानी रेडियस, तो इससे 2 कट गया, पाई आर स्क्वायर। तो आपका यहाँ से एरिया ऑफ सर्कल मिल गया बच्चों, कितना मिल गया, पाई आर स्क्वायर। ये है प्रूफ इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल लगाते हैं बच्चों, जल्दी जल्दी कमन, बहुत तेजी से अपन ये चैप्टर को खत्म करेंगे, बहुत लेंदी चैप्टर है बट थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट रेट ऑफ इतना लग रहा है, 1 मीटर का टोटल कॉस्ट लगा इतना, द फील्ड इज टू बी प्लग्ड एट द रेट ऑफ इतना, 50 पैसे पर मीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लगिंग द फील्ड। है क्या बच्चों, एक सर्कुलर फील्ड है, उस फील्ड के कॉर्नर पे फेंसिंग लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, फेंसिंग लगा हुआ है, ठीक है, कॉर्नर पे फेंसिंग लगा है, ठीक है, फेंसिंग लगा है, तो उसमें 1 मीटर फेंसिंग का, 1 मीटर जो फेंसिंग की लेंथ है उसका प्राइस दिया है 24 रुपीज, 1 मीटर का प्राइस है 24 रुपीज। तो टोटल कितनी, ये सर्कल के सेंटर सर्कम बाउंड्री पे लगा, तो ये बाउंड्री टोटल लेंथ ऑफ फेंसिंग कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ फेंसिंग कितनी हो जाएगी, तो जो लेंथ होगा, लेंथ ऑफ फेंसिंग कितनी हो जाएगी,
लेंथ सर्कल के सर्कमफ्रेंस के बराबर है ना, किसके बराबर, सर्कमफ्रेंस के बराबर है ना। तो सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर होता है। तो 2 इंटू पाई 22 बाई 7 इंटू रेडियस कितना है, रेडियस हमको पता है क्या? ओके, हमको यहाँ पे रेडियस नहीं पता है, तो हमें रेडियस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब रेडियस की वैल्यू कैसे निकालें है ना, तो ध्यान से देखो कि यहाँ पे टो फेंसिंग की टोटल कॉस्ट, जितनी भी मीटर की वो फेंसिंग थी उसका टोटल कॉस्ट दे रखा है कितना, 5,280 रुपये, और एक मीटर का है 24 रुपीस। समझ में आया, एक मीटर का 24 है और टोटल लेंथ, टोटल मीटर का इतना है, तो लेंथ ऑफ फेंसिंग कितना निकल जाएगा, टोटल कॉस्ट में से एक मीटर कॉस्ट का दाम डिवाइड कर देंगे तो हमें टोटल लेंथ मिल जाएगा, किसकी, फेंसिंग की। तो फेंसिंग की टोटल लेंथ मिल गया यानी फेंसिंग की सर्कमफ्रेंस मिल गया और वो आ गया 220। ठीक है, अब यहाँ से हमें रेडियस मिल जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ से आपको रेडियस मिल जाएगा, कितना रेडियस आया, 35 कैलकुलेशन कर लेना तो आपको रेडियस मिल गया 35। ठीक है, 35 आपको मिल गया रेडियस। अब क्या, रेडियस मिल गया तो अब क्या आगे करना है कि इसको प्लग करना है, ट्रैक्टर से पूरे को प्लग करना है, इस ग्राउंड को पूरे को प्लगिंग करना है, मतलब जोतना है। ठीक है, खेत जोतते हो ना वैसे ही, तो ट्रैक्टर का जो पेट्रोल का खर्चा है या ट्रैक्टर का मेंटेनेंस का खर्चा, उसको देखकर किसान जो है वो एक मीटर स्क्वायर एरिया का पैसा मांग रहा है 0.50। ठीक है, एक मीटर स्क्वायर एरिया प्लग करने के लिए, जोतने के लिए वो 50 पैसे मांग रहा है। तो टोटल पूरे सर्कल, जो पूरा सर्कल को जोतने के लिए कितना पैसा लगेगा, प्लग करने के लिए कितना पैसा लगेगा, है ना। तो उसके लिए हम, मुझे टोटल एरिया पता होना चाहिए। तो सर्कल का टोटल एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा देंगे टोटल एरिया का। तो सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर आ गया 35, तो 35 इंटू 35, 7 5 35, 22 × 5 × 35 कर लो। ठीक है, तो आप, अच्छा इसको ऐसे ही रहन देते हैं ना, इसको ऐसे ही रहन देते हैं। तो टोटल एरिया हमारा इतना आ गया, कितना आ गया, टोटल एरिया हमारा आ गया 22 × 5 × 35, टोटल एरिया आ गया। अब टोटल एक मीटर एरिया का प्राइस अगर इतना है तो इतने एरिया का प्राइस कितना होगा, इतने एरिया का प्राइस कितना होगा, 22 × 5 × 35 मीटर स्क्वायर एरिया का कॉस्ट कितना हो जाएगा, दैट इज 22 × 5 × 35 × 0.50 पैसा, है ना। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 1925 रुपीस आ जाएगा आपका कॉस्ट, है ना। इस तरीके से क्वेश्चंस को करने हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर में पूछे जाने वाले हैं। अभी ये आसान था, अभी और थोड़ा सा और टफ होगा। घबराने का नहीं बीड़ू अपन है, बिल्कुल नहीं घबराने का। एक्सरसाइज 12.1 का पहला क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे, मैं बहुत स्टेप से नहीं करूंगा क्योंकि रिवीजन बना रहा हूं, बहुत डिटेल में बनाने लगूंगा तो वीडियो लेंदी हो जाएगी, आप भी बोर हो जाओगे और मैं तो बोर हो ही जाता हूं। एक वीडियो मेरी खराब हो चुकी है, मैं अभी बना रहा था, डिस्टर्ब होने की वजह से खराब हो चुकी है। ठीक है, तो दूसरा इसलिए मैं और तेजी से बना रहा हूं। सो एक्सरसाइज 12.1 का पहला क्वेश्चन है, द रेडियाई ऑफ दो सर्कल है जिसका एक का रेडियाई 19 सेंटीमीटर है, एक का 9 सेंटीमीटर है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, एक कोई नया सर्कल है उसका रेडियस फाइंड करना है। उस नई नया जो सर्कल है विच हैज, उसका जो सर्कमफ्रेंस है वो दोनों, ये दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस के बराबर है। तो कहना चाह रहा है एक सर्कल है जिसको मैं लिख नाम देता हूँ न्यू सर्कल, ये सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है, इस सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है वो दोनों सर्कल, छोटा 19 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल और 9 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल के सर्कमफ्रेंस के इक्वल है। ठीक है, तो चलो, तो पहले दोनों को इसका सर्कमफ्रेंस, अब आपको इस न्यू सर्कल का रेडियस आर डैश निकालना है। कैसे निकाला जाए, तो यहाँ पे इस सर्कल का, इसका रेडियस आर वन मान लेते हैं, इसका रेडियस आर टू मान लेते हैं, तो इस बड़े 19 सेंटीमीटर वाले का सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा, 2πr1, और इसका क्या हो जाएगा, 2πr2, दोनों का सम करेंगे, है ना। तो ये आ गया 2π, मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ तो आ जाएगा r1 + r2, है ना। तो यहाँ से 2 × 22/7 × r1 + r2 यानी 19 + 9, तो 2 × 22/7 × 19 आ जाएगा 20 28, 7 4 28 244 174 176,
ठीक है, क्या सर्कमफ्रेंस है तो सेंटीमीटर में आ गया, ये लीजिए। अब जो न्यू सर्कल का जो है सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस ऑफ न्यू सर्कल किसके बराबर हो जाएगा, दोनों के सम का, दैट इज 176 के बराबर हो जाएगा, है ना। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ न्यू सर्कल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर डैश, यही तो हो जाएगा, और 176 के बराबर, तो आर डैश की वैल्यू 176 अपॉन 2, ये 2 पाई इसके साथ मल्टीप्लाई में था आर के साथ, आर डैश के साथ इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 22/7, तो 176 अपॉन 2 इंटू 22/7 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनको कट पिट करके इसका आंसर सॉल्व करके आंसर निकाल लेना, है ना, इतना आसान था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है बच्चों क्या है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है द रेडियाई ऑफ टू सर्कल, एक सर्कल का रेडियस ये है दूसरे का ये है, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, न्यू सर्कल का रेडियस फाइंड करना है, सेम है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बट इस बार रिलेशन एरिया का है, एरिया का, दोनों का एरिया निकाल कर वो इसके एरिया का इक्वल है, इससे आपको इसका रेडियस निकालना है बनने वाले का, कितना आसान है यार, कर लेना, मैं नहीं बता रहा, हट हट, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, हट, चलो आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन जो है ये भी क्वेश्चन बताने लायक है नहीं, है ना, ये क्वेश्चन कह रहा है कि डिपिक्ट एन आर्चरी, वो आप गेम खेलते हो ना आर्चरी वाला, तीर मारने वाला, तो ये कुछ इस तरीके का ही दिखता है ना, तो इसमें गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स लगी हुई है, दिख रहा है जैसे, द डायमीटर ऑफ रीजन रिप्रेजेंटेटिंग द गोल्ड स्कोर जो आपको दिख रहा है, इसकी जो डाया है, इसका डायमीटर दिया है गोल्ड का, गोल्ड स्ट्रिप जो लगी हुई है बच्चों, उसका जो डाया दिया है 21 सेंटीमीटर, इसका रेडियस क्या हो जाएगा, 21/2, दैट इज 10.5 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगा, तो गोल्ड का रेडियस कितना हो गया, गोल्ड का रेडियस हो गया 10.5, ठीक है। अब आगे बोला है कि ईच ऑफ द अदर बैंड 10.5 सेंटीमीटर विड्थ, अब जितने भी बैंड है उसका, यहाँ इसकी विड्थ, इसकी विड्थ, इसकी विड्थ, है ना, ये वाइट की विड्थ, सब 10.5 है, 10.5 इसकी विड्थ है, ठीक है, तो गोल्ड का रेडियस 10.5 सेंटीमीटर है। अब हम निकाल लेते हैं रेड का रेडियस, रेड का रेडियस कितना हो जाएगा, गोल्ड के रेडियस में 10.5 जो विड्थ है प्लस कर दो, तो 10.5 प्लस 10.5 इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, है ना। रेड के बाद ऐसे ही ब्लू का रेडियस निकाल लो, ब्लू का रेडियस निकालने के लिए रेड का रेडियस में 10.5 प्लस कर दो, तो रेड का रेडियस 21 में 10.5 प्लस कर दो तो 31.5 हो जाएगा। ब्लू के बाद क्या है, ब्लैक, तो ब्लैक का रेडियस में के लिए ब्लू का रेडियस प्लस 10.5, तो ब्लू का रेडियस है 31.5 में 10.5 प्लस कर दो तो 42 सेंटीमीटर, है ना। वैसे ही वाइट का निकाल लेना है, बट आपको एरिया निकालना है, गोल्ड का, रेड का, ब्लू का, ब्लैक का, सबका एरिया निकालना है। तो यार रेडियस तो मैंने निकाल के बता दिया आपको, एरिया निकाल लो, एक बता दो, गोल्ड का एरिया बता देता हूँ, गोल्ड का एरिया निकालना बता देता हूँ, गोल्ड का एरिया, एरिया ऑफ सर्कल, क्यों सर्कल ही है ना ये, तो स्ट्रिप सर्कल फॉर्म में, तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई 22/7, इसका रेडियस कितना है 10.5 है ना, रेड वाले का, सॉरी गोल्ड वाले के रेडियस 10 पॉइंट, तो 10.5 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये आ गया 22/7 इंटू 10.5 का स्क्वायर कर लो यार, 10.5 का स्क्वायर कर लो, कितना आएगा, कितना आएगा, 10.5 इंटू 10.5, ठीक है, 110.25। अब इसको 22 से मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसे हम 347 सेंटीमीटर स्क्वायर भी अप्रॉक्स लिखा जा सकता है। तो देखो यार, इस चैप्टर में आपको ये बहुत प्रॉब्लम आएगी कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन में ज़बरदस्त, एरिया, सरफेस, वॉल्यूम वाले जितने भी चैप्टर होते हैं ना, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है कैलकुलेशन में। तो यार कैलकुलेटर मैंने तो उठा लिया, आप बिल्कुल मत उठाना, कोशिश करो यार थोड़ी, इससे क्या होगी कैलकुलेशन फास्ट होगी तो एग्ज़ाम में हेल्प होगा, क्योंकि इस चैप्टर से एरिया रिलेटेड टू सर्कल दो क्वेश्चन आपको ऐसे वाले मिलेंगे, उसके बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम भी आपके पास एक चैप्टर है, उससे भी 2-3 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे। इन चैप्टर के क्वेश्चंस को ना अपन ब्रेकर क्वेश्चन कहते हैं। ब्रेकर क्वेश्चंस क्या होते हैं बच्चों, आसान आसान क्वेश्चन रहेंगे, पहला क्वेश्चन पेपर और पहला क्वेश्चन आसान, आप बोलोगे अरे वाह कर लिया, सेकंड वाला आसान, अरे इसको भी 2 मिनट में कर लिया, तीसरा वाला क्वेश्चन, अरे इसको तो मैंने 2 सेकंड में कर लिया, पड़ोसी खुश, अरे यार बंदे क्या स्पीड से कर रहा है,
किस क्वेश्चन पे है यार तू? अरे भाई मैं तो 15वां क्वेश्चन पे हूँ, बड़ा तेज चल रहा है यार तू। अब जो जो एग्जामिनर हैं, अब हम जैसे जो टीचर पेपर जब बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, शुरू के 5-6 क्वेश्चन आसान दे के सातवां जो क्वेश्चन देते हैं वो इतना टफ देते हैं, वो होता है ब्रेकर क्वेश्चंस। क्या बोलते हैं? ब्रेकर क्वेश्चन। उससे क्या होता है, हम उस लिए डालते हैं ताकि बच्चे का टाइम वेस्ट हो। अब बच्चा उसमें इस चैप्टर से ही क्वेश्चन देते हैं, बच्चा पागल हो जाता है ऐसे क्वेश्चन को करने में, ब्रेकर्स क्वेश्चन, है ना। ऐसे ब्रेकर्स क्वेश्चन देकर हम फंसाते हैं ताकि उनका टाइम वेस्ट हो, है ना। अब ये इस क्वेश्चन को वही बंदा कर सकता है जिसकी कैलकुलेशन और अच्छे से पढ़ा हो, वही कर सकता है। बाकी अगर आपको दिक्कत आती है थोड़ी सी भी भाई, तो मैं तो बोलूँगा छोड़ दो इनको, बाकी जो बन रहा है उनको पहले करो, लास्ट में टाइम बचे तो इनको छूना, वरना उसके चक्कर में बाकी सब भी गए, है ना। तो ये चीज़ मेरी बात को ध्यान में रखना, ठीक है। चल बीड़ो लोग, अगला क्वेश्चन है, द व्हील ऑफ कार आर 80 सेंटीमीटर ईच। ओके, कार का व्हील का डाया दिया है 80 सेंटीमीटर। हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक्स इन 10 मिनट में, कितना कंप्लीट रोटेशन लेगा व्हेन द कार ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। गजब है। तो ये पॉइंट पे एक कार खड़ी थी, इस पॉइंट पे ये एक कार खड़ी है, अचानक से स्पीड पकड़ा, कितना पकड़ा, 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ा, और वो यहाँ तक पहुँच गया, ए से बी पे पहुँच गया। तो इस स्पीड से उसको 10 मिनट लगा ए से बी तक जाने में। तो स्पीड आपके पास है, आपके पास टाइम है, तो आपको यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस निकाल लो पहले, है ना। आपको डिस्टेंस मिल गया, आपकी एक व्हील, आपकी गाड़ी की जो एक व्हील है, जब वो एक बार टोटल रोटेट होगी, तो वो इस पॉइंट ए से यहाँ पे पहुँच जाएगी बी पे। तो ये यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, उसका सरकमफेरेंस, उसकी बाउंड्री, वो अपने बाउंड्री पे ही रोटेट होगा ना, तो बाउंड्री की लेंथ क्या है, 2πr। तो 2πr टोटल एक रिवोल्यूशन लेने में। तो वन रिवोल्यूशन में जो व्हील है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 2πr डिस्टेंस कवर कर रहा है वन रिवोल्यूशन में, ठीक है। तो आपको आपको डिस्ट आप इस यहां से आपके पास स्पीड है, आपके पास टाइम है, तो यहां से डिस्टेंस निकाल लो। अब जब वो डिस्टेंस आपको मिल जाएगा तो यहाँ पे 2πr से डिवाइड कर दोगे उस डिस्टेंस को, क्योंकि एक रिवॉल्यूशन का डिस्टेंस कितना है, 2πr। तो इतने का डिस्टेंस अगर निकालना है, तो इतने के रिवॉल्यूशन निकालना है, तो 2πr से डिवाइड कर दो, तो आपको कितना उस व्हील ने कितना रोटेट लिया आपको पता चल जाएगा। तो पहले अपन डिस्टेंस निकाल लेते हैं, दैट इज होता है क्या, स्पीड इंटू टाइम, फिजिक्स का फॉर्मूला, फिजिक्स आ गया। स्पीड है 66 किलोमीटर पर आवर इंटू 80, डाया है ना, डाया दिया है 80 सेंटीमीटर, तो भैया रेडियस में कन्वर्ट कर लेना, भूलना मत। तो 80 बाई रेडियस में कन्वर्ट करने के लिए 80/2 विच इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे रख देता हूँ अपन 40 सेंटीमीटर। अभी कुछ बच्चों को बहुत जो समझदार होंगे उनको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। आ गया ना समझ में क्या गलती कर रहा हूँ? नहीं आया तो भाई अबे देख, ये 10 मिनट में है, ये किलोमीटर आवर में है, ये सेंटीमीटर में, सारी यूनिट ही डिफरेंट है, कैसे क्वेश्चन को करोगे, पॉसिबल ही नहीं। सारे यूनिट को सेम करो। तो देखो 66 किलोमीटर और यहाँ पे रेडियस दिया है सेंटीमीटर, तो इस किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। उसके बाद यहाँ टाइम मिनट में है और यहाँ टाइम आवर में है, इसको भी मिनट में कन्वर्ट करो। तो ये चीज अगर ऐसे लिख दोगे डायरेक्ट तो हो जाएगी गड़बड़। तो अब मैं 66 किलोमीटर को सेंटीमीटर, एक किलोमीटर में 10,000 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक। कैसे? क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है और 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर होता है, ठीक है। 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर होता है, ठीक है। तो 1,000 मीटर में इतने सेंटीमीटर हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 जीरो। तो 1, 2, 3, 4, 5 जीरो अपॉन आवर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर दो, है ना। तो ये क्योंकि यहाँ पर आवर है ना, किलोमीटर ये ऐसा लिखा है, 66 किलोमीटर पर आवर, पर मतलब डिवाइड में आवर नीचे हैं, तो इसलिए 60। अब इंटू टाइम, टाइम कितना है, 10 मिनट्स। तो 10 मिनट्स को इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। तो ये मिनट, ये हो गया सेंटीमीटर, ये तो इससे ये जीरो कट गया, इससे ये 11 आ गया, तो यहाँ आ जाएगा 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5 सेंटीमीटर,
ये लीजिए आपका आ गया डिस्टेंस, आ गया डिस्टेंस। अब एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई आर डिस्टेंस कवर कर रहा है, ध्यान देना बच्चों, वन रिवॉल्यूशन में 2 पाई आर डिस्टेंस एक व्हील कवर करता है, तो मुझे इतना डिस्टेंस में कितना रिवॉल्यूशन होगा निकालना है। तो इतना डिस्टेंस के लिए निकालने से अच्छा पहले मैं एक डिस्टेंस का निकाल लेता हूँ। तो मुझे एक डिस्टेंस यानी एक सेंटीमीटर डिस्टेंस का में कितना रिवॉल्यूशन होगा, तो यहाँ पे मुझे 1 चाहिए तो इस 2 पाई आर को इधर भेजना होगा, तो 1/2 पाई आर रिवॉल्यूशन, एक सेंटीमीटर में 1/2 पाई आर रिवॉल्यूशन ले रहा है, तो मुझे इतना सेंटीमीटर में कितना रिवॉल्यूशन लेगा वो निकालना है। तो 1, 2, 3, 4, 5 सेंटीमीटर में हाउ मच डिस्टेंस में कितना रिवॉल्यूशन हो जाएगा, 1, 1, 2, 3, 4, 5 इंटू 1/2 पाई आर, आर की वैल्यू 40, आर की वैल्यू 40, इतना रिवॉल्यूशन लेगा। तो अब आप इसको सॉल्व करो, है ना, ये इससे ये कट गया, पाई की जगह 20 रख दो, इसको करो यार सॉल्व करो, तो आपका आंसर आएगा आई थिंक 4295 रिवॉल्यूशन। ठीक है, देख लेना कहीं गलत मैं कर रहा हूँ, तो 4295 के आसपास या 4395 के आसपास रिवॉल्यूशन आएगा आपका। ठीक है, तो करो कैलकुलेशन, ये भी मैं बताऊँ क्या, हट बैठ, बिल्कुल नहीं बताऊँगा। ठीक है, अभी आई थिंक आपको अच्छे से दिख रहा होगा ये चीज़, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एमसीक्यू क्वेश्चन, घंटा नहीं बताऊंगा, चलो कर लो खुद से। अगला एक्सरसाइज एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट। ठीक है, तो सेक्टर और सेगमेंट का सर्कल का एरिया तो समझ गए, पूरे सर्कल का एरिया और सर्कमफेरेंस तो हम अभी तक पढ़ लिए, अब हम इस एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं सर्कल के अंदर मैंने बताया था क्या होता है, सेक्टर्स होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं, मेजर माइनर, तो अपन पहले समझेंगे क्या क्या होता है। सर्कल एक आर्क से बना होता है, सर्कल सेंटर पे ऐसे रखकर कंपास आर्क कट करते हो, तो सेंटर पे ऐसे रखकर ये आर्क बनता है इस तरीके से, तो डेट इज आर्क। ठीक है, तो आर्क क्या होता है, सम पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज नोन एज आर्क। ठीक है, तो ये देखो मैंने एक सर्कल लिया, ओके, ये एक सर्कल है, इस सर्कल में मैंने ये दो रेडियस बना दिया, एक रेडियस ये रेडियस, अब ये दो रेडियस जो है उस सर्कल को दो पार्ट में बांट दिया, ये जो रेडियस है वो सर्कल के दो, सर्कल को दो पार्ट में बांट दिया, एक ऊपर वाला जिसका जिसमें आर्क, ये जो आर्क है इसकी देखो इसकी लेंथ कम है और रेडियस के ऊपर वाला इस आर्क जो है ये आर्क की लेंथ ज़्यादा है ना, तो जिसकी लेंथ ज़्यादा है उसको मेजर आर्क बोलेंगे, जिसकी लेंथ कम है उसे हम माइनर आर्क बोलेंगे। मेजर आर्क माइनर आर्क क्लियर हो गया। कॉर्ड क्या होता है, डायामीटर क्या होता है, द लाइन सेगमेंट डेट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल दैट इज कॉर्ड। देखो ये फिगर को देखो ध्यान से, ये एक फिगर है, ध्यान देना एक वर्ड लाइन सेगमेंट, जब मैं सर्कल चैप्टर पढ़ा रहा था तब लाइन और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस बताया था। लाइन क्या होता है, लाइन के लास्ट में एरो लगाते हैं ताकि हम उसे जितना चाहें उस एक्सटेंड कर सकते हैं, और लाइन सेगमेंट जो होता है उसकी एक पर्टिकुलर लेंथ होती है। ठीक है, तो जब कोई लाइन, जब कोई सर्कल के सर्कमफेरेंस, जब कोई लाइन सर्कल के किसी एक पॉइंट, एक पॉइंट से होकर जाती है, ध्यान देना मेरे वर्ड्स को, जब कोई लाइन सर्कल के सर्कमफेरेंस पे एक पॉइंट है उससे होकर जाती है, तो उस लाइन को हम टेंजेंट कहते हैं। तो जैसे ये एक सर्कल है, इस सर्कल के सर्कमफेरेंस पे एक पॉइंट है और इस पॉइंट से एक अगर एक लाइन जाती है, देखो लाइन है इसलिए मैंने एरो बनाया है दोनों तरफ, तो इस लाइन को अपन कहते हैं टेंजेंट। ठीक है, सर्कल चैप्टर में मैंने बड़ा ज्ञान दिया है यार, नहीं देखे हो तो जाकर देखो, पूरी सीरीज देखो अच्छे से हमारी, है ना, ओके। अब अगली चीज रेडियस क्या होता है, रेडियस बता चुका हूँ, डायामीटर क्या होता, डायामीटर अभी थोड़ा समझाऊंगा, अभी कॉर्ड समझते हैं, कॉर्ड नहीं, कॉर्ड से पहले सेकेंड समझते हैं, लाइन की बात करें तो लाइन वाला खत्म कर देते हैं। फिर से अगर एक लाइन बना रहा हूँ जो सर्कल को दो पार्ट में और दो पॉइंट से होकर जा रहा है, ऐसे लाइन को अपन सेकंड कहते हैं, क्या कहते हैं, सेकंड कहते हैं, क्लियर है। और ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल के दो पॉइंट को टच कर रहा हो, लाइक दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट को टच कर रहा हो, लाइन सेगमेंट यानी उस लाइन की एक पर्टिकुलर लेंथ है, वो लाइन नहीं लाइन सेगमेंट है, और लाइन सेगमेंट जब सर्कल के दो सर्कमफेरेंस को टच कर रहा हो और उस सर्कल को दो पार्ट में बांट रहा हो, ये वाला पार्ट और ये बड़ा वाला पार्ट, उस लाइन सेगमेंट को कॉर्ड कहेंगे। ठीक है, और वही कॉर्ड
अगर सेंटर से होकर जा रहा हो, सर्कल के सेंटर से होकर जा रहा हो, तो उस कॉर्ड को हम डाया कह देंगे। तो डाया क्या होता है? एक लाइन सेगमेंट जो है पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल इज नोन एज डायामीटर। तो ये सब चीज़ें नॉर्मल क्लियर हो गया। तो आप बोलोगे सर अभी सेक्टर और सेगमेंट तो आया ही नहीं है ना, तो अभी नहीं, अभी हमने नॉर्मल चीज़ें देख लिया, अब अपन आगे चलते हैं। सेक्टर ऑफ सर्कल, सर्कल में दो सेक्टर होते हैं और दो सेगमेंट भी होते हैं, कन्फ्यूज मत होना, दो सेक्टर दो सेगमेंट होते हैं। अभी अपन सेक्टर डिस्कस कर रहे हैं। सेक्टर क्या होता है? द सर्कुलर रीजन एनक्लोज्ड बाई टू रेडियस और एक करस्पोंडिंग आर्क से अगर हैं, एक सर्कल जैसे ये फिगर, तो ये एक सर्कल है, ये एक रेडियस ये है और एक ये रेडियस है और ये एक क्या है, ये एक आर्क है, ये एक आर्क है। तो सर्कल का वो रीजन जो दो रेडियस और एक आर्क से ढका कवर हो, क्लोज्ड हो, वो रीजन का जो एरिया होगा, वो जो रीजन होगा, उस रीजन को कहेंगे सेक्टर। ठीक है, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर क्या होता है? सेक्टर समझ में आ गया, दो रेडियस और एक आर्क से जो रीजन है, उस रीजन को कवर्ड है, उस रीजन को अपन सेक्टर कहते हैं। तो ध्यान से देखो, ये रेडियस और ये आर्क, तो दो रेडियस और इस आर्क से अंदर कवर वाली एरिया, इसको भी सेक्टर कहेंगे। बट यहां पे जो सेक्टर होता है, मेजर और माइनर दो होता है सेक्टर। कैसे दो बनेगा? देखो यार, ये रेडियस है और ये छोटा आर्क है, इससे जो एरिया अंदर कवर हुई, ये छोटा है इसलिए इसे माइनर सेक्टर कहेंगे, और इसके बाहर वाला देखो इतना सारा एरिया, इसे हम लोग मेजर सेक्टर कहेंगे। ठीक है, तो अब मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर आपको समझ में आ गया क्या हो गया? दो रेडियस और एक आर्क से कवर्ड वाला रीजन को सेक्टर कहते हैं। छोटा है तो मेजर माइनर सेक्टर, बड़ा वाला है तो मेजर सेक्टर। तो इनकी एरिया कैसे निकालते हैं? तो किसी भी सेक्टर का मेजर हो चाहे माइनर हो, उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 में सर्कल के एरिया को मल्टीप्लाई कर दो। किसी भी सेक्टर का एरिया निकालने के लिए सर्कल के एरिया में पाई आर स्क्वायर, सर्कल के एरिया में थीटा अपॉन 360 का मल्टीप्लाई कर दो, तो उस सेक्टर की एरिया निकल आएगी। अब आप कहोगे सर ये थीटा क्या है? थीटा उस सेक्टर का एंगल है। यस, फिर आप कहोगे सर आप मेजर सेक्टर हैं और माइनर सेक्टर हैं, दोनों में क्या सेम ही फॉर्म? मेजर सेक्टर का एरिया भी और माइनर सेक्टर का एरिया दोनों सेम होगा? वो तो हो ही नहीं सकता, देखने से ही लग रहा है एक छोटा एक बड़ा है, फिर वो ये फॉर्मूला कैसे काम करेगा? तो बच्चों ध्यान से देखो ना यार, मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर का एंगल, थीटा की वैल्यू भी तो, एंगल भी तो अलग है। कैसे एंगल अलग है? ये देखो, ये है ना लाइन, ये देखो एक ये रेडियस, एक ये रेडियस, ये दोनों किस एंगल पे इंक्लाइंड है? थीटा एंगल पे। तो माइनर सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा? थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये थीटा है तो क्या थीटा, इन द एग्जांपल को समझा रहा हूं, मान लीजिए एक सर्कल है, इस सर्कल का ये जो एंगल है, इस सर्कल का ये जो एंगल है, इस ये एंगल अगर मान लो 40 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा? ये पूरा एंगल कितना होगा जल्दी बताओ? टोटल सर्कल का टोटल एंगल 360 होता है, तो उसमें से 40 गया तो कितना बचा? 320 डिग्री बचा, है ना, 320 डिग्री। तो माइनर सेक्टर का थीटा कितना है? 40, और मेजर सेक्टर का थीटा कितना है? 320। अब आप माइनर का थीटा और मेजर का थीटा पुट करके माइनर और मेजर का एरिया निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। क्लियर? वैसे ही सेक्टर का लेंथ भी निकाल सकते हो। कैसे? मान लो ये माइनर सेक्टर है ना, ये क्या है? माइनर सेक्टर है। तो माइनर सेक्टर जो है, माइनर आर्क और दो रेडियस और इस आर्क से मिलकर बनता है माइनर सेक्टर या सेक्टर। तो ये जो आर्क की जो लेंथ है, ये लेंथ कितना होगा? तो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सेक्टर, किसी भी सेक्टर का जो आर्क है, उस आर्क का लेंथ निकालने के लिए सर्कल के सर्कमफ्रेंस यानी सर्कल के लेंथ यानी सर्कल के बाउंड्री से मल्टीप्लाई कर दो थीटा अपॉन 60 को, तो उस सेक्टर का जो आर्क है उसकी लेंथ मिल जाएगी। एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उस सेक्टर का एरिया मिल जाएगा, सर्कल के सर्कमफ्रेंस से मल्टीप्लाई कर दोगे थीटा अपॉन 360 को, तो उस सेक्टर का आर्क की लेंथ मिल जाएगी। ये दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लेना। अब आते हैं सेगमेंट में, सेगमेंट ऑफ सर्कल क्या होता है?
सेक्टर पिछला में अभी हमने जस्ट पढ़ा था, दो रेडियस और एक आर्क से एनक्लोज्ड रीजन को हम लोग सेक्टर कहते हैं। तो सेगमेंट किसको कहते हैं? कॉर्ड से, एक कॉर्ड और आर्क से ढका एनक्लोज्ड रीजन को अपन सेगमेंट कहेंगे। द सर्कुलर रीजन एनक्लोज्ड बिटवीन अ कॉर्ड एंड करस्पॉन्डिंग आर्क इज नोन एज सेगमेंट। जैसे ये देखो, ये मैंने एक कॉर्ड बनाया। कॉर्ड क्या होता है बता चुका हूँ। तो ये मैंने एक कॉर्ड बनाया, ये कॉर्ड और ये आर्क मिलकर ये जो रीजन बनाया, दैट रीजन इज नोन एज माइनर, क्योंकि छोटा है तो माइनर सेगमेंट। और ये कॉर्ड और ये आर्क मिलकर बड़ा है तो मेजर सेगमेंट बनाया। सेगमेंट क्लियर हो गया? तो अब हम सेगमेंट, मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट भी समझ गए, ठीक है, मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट भी समझ गए। तो भैया इनका एरिया निकालना भी आना चाहिए, क्योंकि हम सबका एरिया वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो एरिया निकालने भी आना चाहिए। एरिया कैसे निकालेंगे? तो एरिया निकालने के लिए बच्चों, एरिया ऑफ द सेगमेंट ए पी बी, ए पी बी, इस सेगमेंट की एरिया यानी माइनर सेगमेंट की एरिया, माइनर सेगमेंट को ए पी बी, दिस इज ए, दिस इज पॉइंट पी, दिस इज बी, इस तरीके से डिनोट करते हैं। इसकी एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, दिस इज ओ ए पी और ये बी, ये जो सेक्टर, क्योंकि दो रेडियस और इसे तो ये एक सेक्टर कहलाया, तो इस सेक्टर से बच्चों ध्यान से देखो, ये दो रेडियस और एक आर्क मिलकर ये एक सेक्टर, इस सेक्टर में से, इस पूरे सेक्टर में से अगर मैं इस ट्रायंगल को माइनस कर दूं, ये जो ट्रायंगल हमको दिख रहा है, इस ट्रायंगल को माइनस कर दूं, इस ट्रायंगल को माइनस कर दूं, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें ये वाली एरिया मिल जाएगी, ये वाली एरिया मिल जाएगी, दैट इज दिस एरिया मिल जाएगी। यही एरिया तो हमें निकालना है। तो टोटल सेक्टर के एरिया से उस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दो। सेक्टर का एरिया थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, वे थीटा इज दिस वैल्यू, ओके, सेंटर से जो बनता है। और एरिया ऑफ दैट एरिया कैसे निकालना है हम आगे बताएंगे, ठीक है। तो ये माइनर का निकल गया। अब माइनर सेगमेंट का एरिया अगर आपका निकल गया माइनर का, तो मेजर का कैसे निकालोगे? मेजर का कैसे, मेजर सेगमेंट की एरिया कैसे निकालोगे? मेजर सेगमेंट के एरिया कैसे निकालोगे? टोटल सर्कल के एरिया में से माइनर का एरिया, माइनर सेगमेंट की एरिया को माइनस कर दो। पूरे सर्कल के एरिया में से इतना एरिया माइनस कर दो, तो ये एरिया आपको मिल जाएगा, दैट इज द मेजर सेगमेंट का एरिया निकल गया, है ना। वैसे ही हम यहाँ सेक्टर में भी कर सकते हो। जैसे माइनर सेक्टर निकाल लो, माइनर सेक्टर निकालने के बाद क्या करो, मेजर सेक्टर निकालना है तुमको, मेजर सेक्टर निकालना है तो क्या करो, पूरे सर्कल का एरिया में से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दो, ठीक है। तो इससे भी तुम निकाल सकते हो। तो आप जैसे मन है वैसे निकालो। अब अपन स्टार्ट करते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। ये एक एग्जांपल है, एग्जांपल टू। इस एग्जांपल को देखते हैं और उसके बाद हमारा जो अगला एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 12.2, कुछ ही क्वेश्चन हम देखेंगे, बाकी क्वेश्चन नहीं करेंगे। अब देखो यार, इसमें एक क्वेश्चन, कुछ पार्ट डिलीट हुआ है इस चैप्टर से। क्या डिलीट हुआ इस चैप्टर से? इस चैप्टर से ये जो मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट जो निकाल रहे हैं, इसमें थीटा की वैल्यू वाली अगर 120 वाली कोई क्वेश्चन ऐसा है, तो ऐसे क्वेश्चंस को नहीं पढ़ना है। जैसे एक्सरसाइज 12.2 का पहला क्वेश्चन देखो, इसमें थीटा दिया है 60 डिग्री, यानी ये क्वेश्चन आएगा। ऐसे ही डिग्री 120 डिग्री वाला कुछ आ जाता है, तो उस टाइप के क्वेश्चन को आप मत पढ़ो, क्लियर है। वैसे क्या करोगे यार, मतलब काटा डिलीट हुआ भी है तो क्या डिलीट हुआ है, थीटा 120, व्हाट द, क्या यार, गवर्नमेंट पढ़ लिख लेते तो नेता बनते तो समझ में आता कि यार काटे क्या है, है ना। चलो कुछ ही क्वेश्चन बताऊंगा, वीडियो लेंदी हो रहा है, ठीक है, रिवीजन है। देखो, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर है। एक सर्कल है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है और एंगल है 30 डिग्री। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, ठीक है। तो एक सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस है और वो दोनों रेडियस 30 डिग्री से इंक्लाइंड है, और ये तो ये सेक्टर बन रहा है। तो ये क्या, ये माइनर है और ये मेजर है। तो मेजर सेक्टर की एरिया निकालना है,
मेजर सेक्टर का एरिया निकालना। तो मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे, देखो मेजर सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे, मेजर एरिया निकालेंगे मेजर सेक्टर का कैसे निकालेंगे, हम सर्कल पूरे सर्कल के एरिया डेट इज पाई आर स्क्वायर में से माइनर सेक्टर का एरिया को माइनस कर देंगे। मैं ये ट्रिक यूज करूंगा, ठीक है। तो पहले हम निकाल लेते हैं क्या माइनर सेक्टर का एरिया। तो एरिया निकालते हैं माइनर सेक्टर का, तो क्या करना है, थीटा अपॉन 360 को मल्टीप्लाई कर देना है पाई आर एरिया ऑफ सर्कल से। यहाँ थीटा क्या लोगे, माइनर सेक्टर का एंगल, दिस इज 30 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस 30 है ना, 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा माइनर सेक्टर की एरिया आपकी आ जाएगी 4.19, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, ये आपकी एरिया आ गई। अब मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है तो बस सर्कल का एरिया दैट इज पाई 3.14 आर रेडियस 4 का स्क्वायर 16 में से माइनस कर दो 4.19 को, तो आपका आ जाएगा 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्सीमेट। कैलकुलेशन में गलती होगी इसलिए अप्रॉक्स जरूर लास्ट में लिख देना, ठीक है। तो इस तरीके से मेजर और माइनर सेक्टर और सेगमेंट के क्वेश्चंस करते हैं। अब ये क्वेश्चन फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विथ रेडियस इतना एंगल इतना, अभी इस तरीके के क्वेश्चन कराया नहीं बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। सर्कल का क्वाड्रेंट यानी एक क्वाड्रेंट क्या होता, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस है ना। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट आप पढ़े थे ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो इस सर्कल का क्वाड्रेंट है मतलब इस क्वाड्रेंट की एरिया निकालनी है आपको, इस क्वाड्रेंट की एरिया निकालनी किसी भी एक, तो इस क्वाड्रेंट की एरिया निकालनी है। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो ये जो एंगल होता है गाइस, एक्स और वाई जब क्वाड्रेंट के जो ये जो एंगल होता है ये 90 डिग्री होता है। कितना होता है, ये सब 90 डिग्री होता है। तो अगर इस फिगर को अगर ऐसे मैं बनाऊं लाइक दिस, तो ये हमारा हो गया थीटा दैट इज 90 डिग्री। तो ये पूरा एरिया क्या हो गया, इसको क्या कहेंगे, माइनर माइनर सेक्टर कहोगे, और ये बाकी का बड़ा वाला क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा, मेजर सेक्टर कहलाएगा, ठीक है। तो एरिया निकालनी है इस क्वाड्रेंट की, यानी माइनर सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालना, माइनर सेक्टर का एरिया थीटा अपॉन 360 को मल्टीप्लाई कर दो पाई आर स्क्वायर से। थीटा क्या लोगे, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू 3.14, पाई की वैल्यू, रेडियस कितना बोला है, सर्कमफेरेंस दिया है 22, तो यार सर्कमफेरेंस सर्कल का क्या होता है 2 पाई आर होता है, इसकी वैल्यू दिया है 22, तो यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लो 22 अपॉन 2 पाई, तो ये कट गया, तो ये आ गया 11 अपॉन पाई, तो रेडियस आ गया 11 अपॉन पाई, आर स्क्वायर है तो इंटू 11 अपॉन पाई, ठीक है। अब पाई की वैल्यू रख दो 3.14, तो अपन यहाँ पे मिटा देते हैं ना, यहाँ पे मिटा के मैं पाई की वैल्यू डायरेक्ट रख देता हूँ 3.14 और 3.14, इससे ये कट जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन कर लो, आंसर आ जाएगा आपका, है ना। चलो वीडियो रोक आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाई द मिनट हैंड इन 5 मिनट, 5 मिनट बाद उसने कितना एरिया स्वेप्ट किया वो बताना है, ठीक है। तो एक सर्कल घड़ी है, तो घड़ी का एक सर्कल होता है, मिनट हैंड कैसे होता है, ये मिनट छोटा होता है ना, तो ये मिनट हैंड है, मान लो ये एक मिनट हैंड है, ठीक है, मिनट हैंड। तो उसका क्या बोला है, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड इज 14 सेंटीमीटर, मिनट हैंड का लेंथ है 14 सेंटीमीटर, यानी सर्कल का रेडियस है 14 सेंटीमीटर। 10 मिनट बाद कितना, 10 मिनट बाद ये कुछ इतना कवर किया, ये मिनट हैंड यहाँ पहुँच गया, 10 मिनट बाद ये मिनट हैंड यहाँ पहुँच गया, तो इसने कितना एरिया स्वेप्ट किया, ये एरिया आपको निकालना है, ये थीटा, ये थीटा की वैल्यू पहले एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने जनरली माइनर सेक्टर का फॉर्मूला से ही निकाल सकते हो, माइनर सेक्टर का एरिया दैट इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, वेयर आर की वैल्यू है 14, ठीक है। थीटा की वैल्यू निकालना है, थीटा की वैल्यू कैसे निकाले भैया, थीटा की बड़ी घड़ी में यही तो होता है। अब जो घड़ी जो होती है वन राउंड में 360 डिग्री कवर करती है, कितनी डिग्री कवर करती है, एक राउंड मिनट हैंड पूरा एक राउंड घूमेगी तो 360 डिग्री कवर करेगी।
ठीक है, 360 डिग्री कवर करेगी एक राउंड में। तो तुमको 10 मिनट टाइम के अकॉर्डिंग निकालना है, 10 मिनट। तो एक मिनट पहले तो अपन निकाल लेते हैं 360 डिग्री में कितने मिनट चलेगी, 360 डिग्री में कितने मिनट घड़ी चलती है, एक राउंड बताओ, एक राउंड। तो 360 डिग्री यानी 360 डिग्री यानी 60 मिनट चलती है। तो एक मिनट में घड़ी, ये एक मिनट चाहिए तो ये 60 इधर आ जाएगा, 360 अपॉन 60, डेट इज ये कट गया, 6 डिग्री चल रहा है, एक मिनट में 6 डिग्री चल रहा है। तो 10 मिनट में कितना चलेगा, 6 × 10 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो लो थीटा की वैल्यू आ गई, अब इसमें थीटा की वैल्यू 60 डिग्री पुट कर दो और आर की वैल्यू 14, निकल गया आंसर। क्या यार घटिया क्वेश्चन, बट चलो अगला क्वेश्चन है। अ कॉर्ड ऑफ सर्कल रेडियस दिया है, सबटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग। अरे यार भाट, एक सर्कल है सेंटर से राइट एंगल बना रहा है ये, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। अब ये माइनर और ये जो मेजर है दोनों का एरिया निकालना है, ठीक है, निकाल लेना। अगला इन्हें सर्कल ऑफ रेडियस दिया हुआ है, एन आर्क सबटेंडेड एंड एंगल इज 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का ये एक आर्क बना दो, ये रहा आपका आर्क, इसकी रेडियस कितना है 21 इधर भी 21 इधर भी एट द सेंटर फॉर द लेंथ ऑफ आर्क। इस आर्क की लेंथ निकालनी है, तो आर्क की अगर लेंथ निकालनी है तो आर्क की लेंथ निकालनी है ना, तो ये माइनर आर्क है ना, क्योंकि ये माइनर सेक्टर में बना है तो माइनर आर्क है। तो माइनर आर्क की जो लेंथ होगी थीटा अपॉन 360 को सर्कल के लेंथ यानी 2πr सर्कमफ्रेंस से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 21, 7 × 3 = 21, ये कट गया, 6 × 6 = 36, 3 × 2 = 6, 2 से 2 कट गया, आ गया आंसर 22 सेंटीमीटर। लो आ गया माइनर आर्क की लेंथ। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द, अब इसकी एरिया निकाल लो, एरिया निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर से थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई कर देना। नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, अब इस कॉर्ड से जो सेगमेंट बना है वो निकालना है, वो भी निकालना है। सेगमेंट यानी अब आपको सेगमेंट के लिए कॉर्ड बनाना पड़ेगा। तो ये देखो, ये इसका रेडियस यहाँ टच हुआ है, इसका रेडियस यहाँ टच किया है, तो आपको यहाँ पे एक दोनों को ज्वाइंट करोगे तो आपको ये कॉर्ड मिल गया, दैट इज कॉर्ड, ठीक है, ये कॉर्ड मिल गया। तो अब आपको एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो ये कॉर्ड से जो सेगमेंट बना है उस सेगमेंट का एरिया बनाना है। तो इस कॉर्ड की वजह से बच्चों क्या हुआ है, इस कॉर्ड की वजह से हमें मिलता है यहाँ पे माइनर सेगमेंट मिल गया, ये माइनर सेगमेंट, बाकी का इधर का जो पार्ट है ये मेजर सेगमेंट। तो ये मुझे माइनर सेगमेंट निकालना है। तो मैंने अभी इस पूरे का एरिया निकाला, सेक्टर का एरिया, उस सेक्टर के एरिया में से, माइनर सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया माइनस कर देंगे। तो ट्रायंगल का एरिया बच्चों कैसे निकालेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट था, ठीक है। तो हमारा जो भी था उसमें से हमको उसका माइनस करेंगे। ध्यान से देखो कैसे करना है। तो देखो यार ये 60 डिग्री है ना, इस सर्कल को मैं फिर से बना देता हूँ, यहाँ पे इस सर्कल को मैं फिर से बनाता हूँ। ये सर्कल रहा, ये सेंटर, इधर 21 रेडियस, ये 21 और ये है 60 डिग्री और ये है हमारा कॉर्ड, ठीक है। तो मुझे इस ट्रायंगल की एरिया निकालना है, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ओ ए बी, इस ट्रायंगल की एरिया निकालना है। सेक्टर तो हम ऑलरेडी सेकंड में निकाल चुके हैं, दोनों के एरिया माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ये। तो एरिया कैसे निकालें, देखो क्योंकि ये साइड और ये साइड आपस में, ये एक ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल दिख रहा है, तो ये साइड इक्वल हो तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा। तो x प्लस 60 डिग्री ये 180 डिग्री हो जाएगा, तीनों एंगल का सम 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ से 2x प्लस 60 इज इक्वल टू 180 हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 180 अपॉन 60, ये आ जाएगा कितना 30 डिग्री, सॉरी माइनस होगा ना यार, डिवाइड तो क्यों कर रहा हूँ मैं, है ना। तो ये 2x, ये 60 डिग्री इधर प्लस में है तो माइनस आ जाएगा, तो 120, तो x इंटू में है तो 120 अपॉन डिवाइड में 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री एंगल, ये भी 60 डिग्री। अरे किसी ट्रायंगल का तीनों एंगल सेम है, तो ऐसे ट्रायंगल को क्या कह देते हैं, ऐसे ट्रायंगल को, देयर फॉर ट्रायंगल ओ ए बी इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऐसे ट्रायंगल को अपन इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 × साइड का स्क्वायर हो जाता है, √3/4 × साइड 21 का स्क्वायर,
ये हो जाएगी एरिया ऑफ सर्कल। अब इस एरिया ऑफ सर्कल को इस सेक्टर से माइनस कर दो तो ये मिल जाएगा आपको, है ना। ओके चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, कर लेना ये भी, कर लेना ये भी, कर लेना ये बताऊं। आसान तो क्वेश्चन है यार, क्या कह रहा है देखो। एक अ ब्रांच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। सिल्वर वायर से आपको एक ब्रांच बनाना है और साथ ही साथ उस द वायर इज ऑल्सो यूज टू मेकिंग 5 डायामीटर विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया है। तो आपको ब्रांच का एक वायर लिया, मैं ग्रीन कलर से जो दिखा रहा हूँ वायर है, तो ये मैंने एक वायर लिया जिससे मैंने एक सर्कल बनाया, उसके बाद 5 डायामीटर बनाया, 1, 2, 3, 4, 5 डायामीटर बनाया। तो ग्रीन ग्रीन जो भी दिख रहा है ना बच्चों, वो सिल्वर वायर लगा हुआ है। तो मुझे इसका लेंथ निकालना, टोटल लेंथ कितना है। अब जो डाया है, डाया कितना है, डाया का 35 mm है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 35/2, यानी 2 × 2, 2 × 7 = 14, 17.5 mm ये वायर का इस सर्कल का रेडियस आ गया। तो कहाँ कहाँ लगा है, सर्कमफ्रेंस पे लगा है, तो सर्कमफ्रेंस निकाल लें पहले। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं, डेट इज 2πr, तो 2πr यानी 17.5, तो 110 के आसपास आएगा, ठीक है। अब 5 वायर और भी लगा है, कहाँ 5 जगह और लगा है, तो टोटल लेंथ की बात करें तो टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर कितना हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस का लेंथ डेट इज इतना प्लस 5 डायामीटर यानी 5 × 35, डायामीटर की लेंथ है, डायामीटर है 35, तो 5 × 35, इसको सॉल्व कर लेना, तो 110 प्लस 5 × 5 = 25 का 5 कैरी 2, 5 × 10 = 15, 16 × 17, तो ये आ गया 285 मीटर, ये सॉरी mm, आपको ब्रॉन्ज में जो भी सिल्वर वायर लगा है उसकी लेंथ आ गई। द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रॉन्ज। अब ये जो ब्रॉन्ज है, ये जो सेक्टर है, अब ब्रॉन्ज क्या 2 डायामीटर में ये सेक्टर जो बना रहे हैं ईच, तो सबका एरिया तो सेम ही होगा क्योंकि अपने 5 पार्ट में डिवाइड किया है और इक्वल हुए हैं, तो सबका अब 5 पार्ट में डिवाइड किया है, तो टोटल कितना एंगल होता है, सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है 360। आप 5 पार्ट में डिवाइड किए हो, टोटल होता है 360, आपने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो डिग्री कितना हो जाएगा 360/5, तो आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी 75 × 35 = 72 डिग्री। अब आप एरिया निकाल लो, एरिया कैसे निकालोगे, 70 θ/360 × πr² तो 22/7 × r² रेडियस कितना है 17.5 × 17.5, सॉल्व कर लेना आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सेम टू सेम अम्ब्रेला वाले में भी ऐसा ही है, कितने स्ट्रिप्स हैं, इस तरीके से ये क्वेश्चन कर लेना यार। कार हैज़ 2 वाइपर्स, कर लेना यार, 2 वाइपर हैं, जब वाइप करेंगे तो कितना वो करेगा। 2 वार्न शिप, ये भी सब में सेक्टर्स निकालने होंगे लाइक दिस, ठीक है ठीक है। तो अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन हैज शोन इन द फिगर, इफ द रेडियस ऑफ कवर इज 28, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन। तो ये जो कवर के कॉर्नर पे डिजाइन बने हुए हैं, ये डिजाइन बने हुए हैं, ठीक है, इस डिजाइन की कॉस्ट निकालनी है। इसमें 1 cm² का यानी 1 cm² के एरिया, उस एरिया में बनाने के लिए 0.35 रुपये लग रहा है, कितना लग रहा है इतना। तो मुझे जो डिज़ाइन बना, इस डिज़ाइन की पूरी एरिया निकालनी है, कैसे निकलेगा, किस ये कितने से बना रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बना रहा है, किसी एक का निकाल लो और 6 से माइनस कर दो, सॉरी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक का कैसे निकालेंगे, ये एक सेक्टर है, ये एक सेक्टर बन रहा है, ये 2 रेडियस और एक आर्क बन के ये एक सेक्टर में से इस ट्रायंगल की एरिया, इस ट्रायंगल की एरिया को माइनस कर दोगे तो आपको ये स्ट्रिप की एरिया मिल जाएगी, और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देना, खत्म। वो ठीक है सर, मैं समझ गया आप जो कहना चाह रहे हो, सर मैं समझ गया, बट ये थीटा कैसे निकालेंगे, तो कितने पार्ट में बटा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पार्ट में बटा है, टोटल एंगल कितना होता है 360, तो 360 को 6 से डिवाइड कर दो तो 60 डिग्री आ गया, थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री।
अब ये 60 डिग्री है और ये 28 28, तो ये दोनों साइड इक्वल होगा. जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया था इसकी वैल्यू 66, देयरफॉर इट इज़ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल. और इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो एरिया होती है रूट 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, है ना. तो ट्राइंगल की एरिया सेक्टर से माइनस सेक्टर की, सेक्टर कैसे, सेक्टर की एरिया कैसे निकाल लोगे, 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर. आर है 28 का स्क्वायर, है ना. इस तरीके से निकाल लेना, इसमें से इसको माइनस कर देना, स्ट्रिप आ जाएगा, जो आंसर आएगा उससे मल्टीप्लाई 6 कर देना, है ना. तो इस तरीके से करना है यार, कितना आसान था. अगला एक्सरसाइज पे चलते हैं यार. अगला एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर, ठीक है. प्लेन फिगर्स का कॉम्बिनेशन वाले कुछ क्वेश्चन हैं, उनके एरियाज कैसे निकालेंगे. कॉम्बिनेशन यानी देखो ये इसमें क्या दिख रहा है, ये रेक्टेंगल स्क्वायर है, स्क्वायर में ऊपर दो सर्कल आर्क लगा दिया है, भी इनकी एरिया निकालो. तो उस एरिया कैसे निकालेंगे, यहाँ देखो ऊपर में रेडियस भी सेम होगा, होगा ना, क्योंकि यही है ना यार. ये देखो ये आर्क ऐसे ही बन रहा है ना, दिस ये रेडियस ही हुआ. ये साइड 56 है ना. देखो ध्यान से कैसे करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है, ध्यान से देखना. अरे यार देखो, मुझे ये पूरा जो फिगर दिख रहा है ना, इस पूरे फिगर का एरिया निकालना है, पूरे फिगर का एरिया निकालना है, ठीक है. तो एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है और उसके ऊपर दो वो भी हैं, है ना. सबका एरिया निकालना है, कैसे निकाला जाए देखो ध्यान से. स्क्वायर की एरिया अगर हम निकालें, स्क्वायर की एरिया निकाल लें, तो 56 स्क्वायर की एरिया क्या हो जाएगी, स्क्वायर की एरिया क्या हो जाएगी बच्चों, स्क्वायर का साइड इंटू साइड होता है, तो 56 दिया तो 56 इंटू 56 स्क्वायर की एरिया हो जाएगा. बट हमें स्क्वायर की एरिया अगर हम निकाल लिए, मान लो इसकी एरिया अगर हम निकाल लिए, तो फिर मुझे इतने पार्ट की एरिया और इतने पार्ट की एरिया और निकाल कर प्लस करना पड़ेगा. तो थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा ये मेथड, क्योंकि फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सिगमेंट वाले से करना पड़ेगा. मतलब क्या, मुझे इस सेक्टर में से इस ट्रायंगल को माइनस करना पड़ेगा, तो मुझे ये मिलेगा, है ना, ये मिलेगा. तो यार इसमें क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी, होगी जाहिर सी बात होगी, या वैसे नहीं भी होगी, है ना, क्योंकि ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बन जाएगा. तो 90 डिग्री, अगर ये 90 डिग्री है बच्चों, ठीक है, और ये दोनों एक्स, इसकी भी वैल्यू हमें नहीं पता कि रेडियस कितनी है, रेडियस भी नहीं पता, तो यार अपन ऐसे नहीं कर पाएंगे. तो इसको कैसे करें, इसको करने के लिए अपन स्क्वायर के एरिया वाला मेथड यूज़ ना कर, अब अपन जो करने वाले हैं क्या, अपन देखो पहले वो क्या लगाए, अप्रोच क्या लगाएंगे. अप्रोच ये लगाएंगे बच्चों, हम करेंगे क्या, कैसे निकालेंगे, हम इस ट्रायंगल की एरिया निकाल लेंगे, फिर हम इस ट्रायंगल की एरिया निकाल लेंगे. मतलब एक की निकाल कर टू से मल्टीप्लाई कर दो तो ये मिल गया, ये दोनों कवर हो गया. उसके बाद ये एक सेक्टर है ना, ये क्या, ये एक सेक्टर बन रहा है. इस पूरे सेक्टर की एरिया, सेक्टर की एरिया निकालने वाले फार्मूले से निकाल लेंगे और उसी को टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये पूरे सेक्टर का भी एरिया निकल जाएगा. इस तरीके से ये पूरा का पूरा फिगर का एरिया हमारा कवर हो जाएगा, है ना. तो ध्यान से देखो ये होगा कैसे, होगा कैसे, ये कैसे निकलेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो देखो ध्यान से, ये क्या है, स्क्वायर है. तो स्क्वायर के जो डायगनल्स होते हैं जो है वो 90 डिग्री पे एक्ट करते हैं. कितने पे, 90 डिग्री पे एक्ट करते हैं. तो अगर मैं इसके आर और इसको आर मान लूँ, आर आर मान लूँ, है ना, आर आर मान लूँ, तो और ये क्योंकि ये भी 56 है, ये 56, ये भी 56 है. तो अगर यहाँ पे 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस लगा सकता हूँ. तो पाइथागोरस लगाऊंगा तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा. डायरेक्ट कर रहा हूँ, है ना. तो ये आर स्क्वायर 2r² इज इक्वल टू 56 का स्क्वायर. तो या r² इज इक्वल टू 56 का स्क्वायर अपॉन 2, है ना. तो 56 का स्क्वायर अपॉन 2 करो रे बच्चे, तो ये हो जाएगा आपका 56 इंटू 56 अपॉन 2. तो इसको इससे काट दो तो आ जाएगा 28 इंटू 56, ठीक है. तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गया 28 इंटू 56. रहन दो, आर स्क्वायर ही रहन दो, ठीक है. पूरे को सॉल्व करोगे तो दिक्कत हो, इसको वैसे ही जैसा है इसको वैसे ही रहन दो, ठीक है. अब देखना यहाँ क्या करूँगा, अगला स्टेप देखना, देखते जाना, मजा आएगा. अब मुझे सेक्टर का एरिया निकालेंगे, मैं अब इस पूरे सेक्टर की एरिया निकालने जा रहा हूँ, ठीक है. ओ ए बी सेक्टर की एरिया निकालने जा रहा हूँ.
ओ ए बी सेक्टर की एरिया क्या हो जाएगी, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा है 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की वैल्यू है 28 इंटू 56। तो डायरेक्ट लग दूं 28 इंटू 56 और इस पाई की जगह रख देता हूं 22/7 डायरेक्ट, है ना। अब ये ऊपर भी सेक्टर है और नीचे भी है, तो इसको 2 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया। अब इधर साइड देखो, अब इधर साइड ट्रायंगल है, क्या है, अब ये देखना, ये क्या हो गया, ओ ए बी एंड ओ डी सी सेक्टर का एरिया निकल गया। इसको अब आप सॉल्व करना खुद ही, इसको आप खुद ही सॉल्व करना कैलकुलेट करके। अब मैं ये जो बचा एरिया है ट्रायंगल जो इधर बचा, इनकी एरिया निकाल लें, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों। तो जब राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल की एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ओ बी सी, ट्रायंगल ओ बी सी का निकालेंगे एंड ट्रायंगल ओ डी ए का, दोनों का एरिया एक साथ निकालेंगे, तो ट्वाइस और ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर देंगे ट्रायंगल ओ बी सी का, किसी एक ट्रायंगल का टू से मल्टी, तो टू इंटू ट्रायंगल हाफ बेस, बेस इंटू, हम बेस क्या है आर, और हाइट क्या है बच्चों, इधर से हाइट भी आर है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा टू से टू कट गया आर स्क्वायर, यानी इस ट्रायंगल की एरिया आ जाएगा 28 इंटू 56, क्योंकि आर स्क्वायर की वैल्यू है 28 इंटू 56 हमारा। ये देखो ये भी काम हो गया, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, टोटल एरिया क्या हो जाएगा, टोटल एरिया हो जाएगा बच्चों ये वाला फॉर्मूला, डेट इज 90 अपॉन 360 22/7 इंटू 28 इंटू 56 इंटू 2 प्लस 28 इंटू 56। इन पूरे को सॉल्व करोगे तो फाइनल जाकर आपकी जो टोटल एरिया निकलेगी 4032 मीटर स्क्वायर के आसपास, दैट्स योर सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, अब स्टार्ट होता है एक्सरसाइज 12.3। तो 12.3 का जो एक्सरसाइज है ये उटपटांग एक्सरसाइज है, यानी इसमें कॉम्बिनेशंस ऑफ फिगर्स मिलेंगे और सबका एरिया निकालना होगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, तो पहला क्वेश्चन देखो, दूसरा देखो, दूसरा में देखो दो सर्कल है, आपको जो डार्क पार्ट है सिर्फ उसका एरिया निकालना है ना। तो छोटे वाले का सेक्टर और बड़े वाले के सेक्टर से छोटे वाले का सेक्टर माइनस कर दो, तो इसका बचा हुआ पार्ट निकल जाएगा, है ना। फिर आगे देखो, ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर में दो सेमी सर्कल्स बने हुए हैं, दोनों एक स्क्वायर पेपर में से दो सेमी सर्कल को कट कर दें, तो जो बचा हुआ पार्ट है जो आपको डार्क डार्क दिख रहा है, इसकी एरिया निकालना है। तो यार इस ये सेमी सर्कल की दो, एक स्क्वायर की सेमी, पूरा स्क्वायर का एरिया निकाल लो और उसमें दो सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर दो, तो डार्क वाला पार्ट बच जाएगा, है ना, करना है आपको। अब ये देखो, ये एरिया निकालना है, ये एरिया कैसे निकालोगे, तो इसमें एक सर्कल है, तो इस सर्कल का एरिया में आपको प्लस कर देना है इस ट्रायंगल का एरिया, इस सर्कल के एरिया में इस ट्रायंगल का एरिया प्लस कर देना है। तो ये सर्कल का एरिया तो निकाल लो, क्योंकि इसकी रेडियस 6 है, तो पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया निकल गया, है ना। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, क्वेश्चन सही है ना, ओके। अब ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की एरिया कैसे निकालें, इस ट्रायंगल की एरिया निकालने के लिए ये 12 सेंटीमीटर दिया, वेयर अ सर्कुलर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉन विथ वर्टेक्स, ठीक है, वर्टेक्स, फाइंड द एरिया दिया है ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ओएबी, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल दिया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया √3/4 साइड का स्क्वायर, तो √3/4 इंटू 12 का स्क्वायर, क्या घटिया क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन देखो, ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर में आपको चार पांच कट्स लगाने, एक सर्कुलर कट लगाना है और कॉर्नर पे क्वाड्रेंट्स कट, सर्कल का क्वाड्रेंट्स कट लगाना है, उसके बाद जो शेडेड वाला पार्ट बचा रह जाएगा, है ना, कट लग, ऊपर कट लगा, इधर कट, इधर कट, इधर कट, बीच में एक छेदा कट कर दिए, तो ये शेडेड पार्ट वाला पार्ट बच जाएगा। तो उनकी एरिया, सबसे पहले बीच में जो सर्कल है इसकी एरिया निकाल लो, इस सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, देखो बोला है 2 सेंटीमीटर है, तो अगर इसका डाया 2 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा 2/2, डेट इज 1 सेंटीमीटर। अब इस सर्कल का एरिया निकाल लो, निकल गया सर्कल का एरिया निकल गया। अब ये 90 डिग्री बन रहा है, ये 90 डिग्री ये क्वाड्रेंट है, है ना, तो इस क्वाड्रेंट की इसकी एरिया कैसे निकल जाएगा, इसकी एरिया कैसे निकल जाएगा, एक सर्कल का, और इसका ये बोला है 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर इसकी रेडियस जो है,
तो 1 सेंटीमीटर की रेडियस की एक सर्कल है, तो 1 सेंटीमीटर अगर किसी सर्कल का रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो उसका सिर्फ तुमको इस पार्ट की एरिया निकालना है तो क्या करोगे, है ना, क्योंकि एक सर्कल 4 क्वाड्रेंट से मिलकर बनता है, 1 2 3 4 4 क्वाड्रेंट से मिलकर बनता है एक सर्कल, तो मुझे एक क्वाड्रेंट का वो निकालना है, तो पूरे सर्कल का एरिया निकाल लो दैट इज पाई, और उसमें से 4 से डिवाइड कर दो, है ना, इसमें रेडियस क्या लोगे, पाई इंटू आर लोगे 1 स्क्वायर और ये 4, तो जो भी आंसर आएगा ये 1 क्वाड्रेंट का निकलेगा। अब यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट हैं तो 4 क्वाड्रेंट मिलकर एक सर्कल बनाते हैं, तो आपको करना क्या है, स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर देना, क्योंकि ये भी 1 सेंटीमीटर रेडियस का ही है, स्क्वायर के एरिया में से 2 सर्कल का एरिया माइनस कर देना है तो आपका बचा वाला पार्ट निकल जाएगा। कितना आसान है, दिमाग लगाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अब ये डिज़ाइन निकालना है, तो ये डिज़ाइन कैसे निकलेगा भाई, अगर यहाँ पे मैं सेंटर बनाऊँ तो इसको थोड़ा सा एडिट करोगे इस तरीके से, तो 1 2 3 पार्ट में बटा है, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 360/3, 3 1 3 2 6 0, 1 थीटा 120 डिग्री वाला। ये क्वेश्चन आपको इस साल करना ही नहीं है, थीटा की वैल्यू 120, ये वाले क्वेश्चन करने ही नहीं है आपको, है ना, तो छोड़ दो। ठीक है, करने का वो कर सकते हो, उसका भी तरीका है। ठीक है, अब देखिए, देखो ये सर्कल से ये स्क्वायर है, तो आपको ये शेड बीच वाला शेडेड एरिया निकालना है, तो स्क्वायर का एरिया निकाल लो, स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, स्क्वायर के साइड नहीं दिया होगा बट रेडियस दिया होगा, साइड स्क्वायर का साइड दिया है 14 दिया है साइड। ठीक है, तो ये साइड स्क्वायर का एरिया निकल जाएगा 14 × 14, स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर दो किसका एरिया, ये सेक्टर्स का एरिया, ये सेक्टर्स है ना, 4 सेक्टर है ना, ये 4 सेक्टर की एरिया माइनस कर दो, तो ये सेक्टर का एरिया कैसे, ये 14 है तो ध्यान से देखो, सेंटर पे बना है तो यहाँ से यहाँ तक ये 7 हो जाएगा। ठीक है, ये थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये सर्कल है पूरा 360 बनता है, उसमें 4 क्वाड्रेंट्स बनते हैं, 1 क्वाड्रेंट है, तो 360 को 4 से डिवाइड कर दो तो ये 90 डिग्री, तो थीटा 90 है, ये 7 है, तो ये निकल जाएगा, तो 4 सेक्टर का एरिया को माइनस कर दो स्क्वायर के एरिया से, तो बीच वाला पार्ट मिल जाएगा, है ना। चलो अगला देखो, ये निकालना है, तो इसके लिए कैसे निकालोगे, तो इसको निकालने के लिए आप यहाँ पे एक डायड ड्रॉ करो, और ये डायड ड्रॉ करो, तो बड़े देखो, ध्यान से देखो, बड़े वाले इनका ये डाया है ना, इन पूरे का एरिया निकाल लो, उसके बाद छोटे वाले का इस पार्ट का एरिया निकालो, बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस कर दोगे तो ये वाला पार्ट मिल जाएगा। दैट सिंपल, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अब बताओ इसकी एरिया निकालनी है यार, क्या क्या कट किए हैं, तो प्रैक्टिस करो यार ऐसे क्वेश्चंस की। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, टोटल कुछ अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं, इनकी प्रैक्टिस करो और ये द एंड, क्लियर। अब एक एक क्वेश्चन में बताने लगा तो ये तो वन शॉट वीडियो का कोई मतलब ही नहीं रहा, फिर भी 1 घंटा 7 मिनट का वीडियो हो गया। मैं कोशिश किया हूँ इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कराने का, हर टाइप का वैरायटी ऑफ टाइप के क्वेश्चंस को मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आशा करता हूँ बाकी टाइप के क्वेश्चंस भी आप जरूर कर लोगे, दिक्कत होता है तो हमें ज़रूर बताना, लाइव डाउट सेशन हम आपके लिए रखेंगे जिसमें आप जो भी डाउट्स होगा इस चैप्टर से रिलेटेड आप हमसे पूछना, उस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, बट उससे पहले हमारा वेट करो, इस चैप्टर के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लेकर आएंगे, पहले उसकी प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद फिर हम डाउट सेशन रखेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गाइड वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करना, बहुत मेहनत की है आज, मैं थक गया हूँ ये कंटिन्यूस बनाते ये वीडियो। ठीक है, बट कोई बात नहीं, अपन हमेशा आपके साथ है और आखिरी दम तक रहेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइड, तक के लिए जय हिंद।